नेशनल फार्मर्स डे है और सारे किसान भाइयों को आने वाले नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। अभी मैं अस्मिता ऑर्गेनिक फार्म रामटेक जिला नागपुर में अपने फार्म पर हूं। महाराष्ट्र के अंदर जो डिविजन्स है, जैसे पश्चिम महाराष्ट्र, तो उसका बहुत बड़ा हिस्सा अच्छा खासा एग्रीकल्चर सेक्टर में कोऑपरेटिव मूवमेंट की वजह से और पानी की फैसिलिटीज़ की वजह से डेवलप हुआ है, और मराठवाड़ा का भी बहुत सारा हिस्सा जो है अच्छा खासा डेवलप हुआ है। खास करके जो आंध्रा से लगा हुआ एरिया है, तो वहाँ पे बहुत सारे नए प्लांटेशंस, डिफरेंट पैटर्न्स भी कोशिश की जा रही है। और उत्तर महाराष्ट्र के अंदर नासिक संगम वगैरह एरिया जो है, धुलिया, ये भी काफ़ी अच्छा खासा डेवलप है। विशेषतः विदर्भ के अंदर, क्योंकि फार्मर्स की होल्डिंग बहुत छोटी है और एक एकड़ दो एकड़ का फार्मर है, सेट क्रॉप पैटर्न है उनके पास, कॉटन, सोयाबीन, तूर, मूंग, धान, संतरा, मौसम्बी, सीताफल। विदर्भ के अंदर छोटे किसान होने की वजह से फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स का पर एकड़ का जो खर्चा आता है, उसके वजह से उसके अंदर क्रॉप फेलियर भी जब होता है, दुष्काल पड़ता है, तो उसको भारी नुकसान सहन करना पड़ता है और सुसाइडल डेथ्स वगैरह भी आप और हम सुनते रहते हैं। हमारी इस अस्मिता ऑर्गेनिक फार्म में एक कोशिश है कि नेचुरल फार्मिंग की पद्धत से खेती की जाए, जिसके चलते फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स का खर्चा उनका बचता है और उनके पास जो छोटे किसान के पास जो अपनी गाय होती है, उसका जो खुद का रिसोर्स होता है, 8-10 हज़ार लीटर पानी के अंदर ही वो प्लांटेशन और तमाम चीज़ की खेती कर सकते हैं। अस्मिता ऑर्गेनिक फार्म में हमने नई चीज़ एक डेवलप करी है डॉक्टर वीनू गोपाल जी के मार्गदर्शन में, ICAR के फॉर्मर हेड ऑफ स्पाइस डिवीजन, कि विदर्भ के अंदर गर्म मसाले की पैदावार हो सकती है और उसके चलते हुए हमने यहाँ अस्मिता ऑर्गेनिक फार्म में स्पाइसेस का प्लांटेशन किया है। इस साल उसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। काली मिरी है, दालचीनी है, जायफल, जावित्री, कोकम, काजू, विविध प्रकार के काजू है, फनस है, इमली है, तेजपत्ता है, जिसके चलते हुए हमारी कोशिश है कि विदर्भ के किसान इस पैटर्न को फॉलो करेगा, एक क्रॉप पैटर्न चेंज की दिशा में विदर्भ में कदम उठाया जाएगा और गरीब किसान जो एक एकड़ दो एकड़ का किसान है, वो एक एकड़ के पीछे 2-3 लाख रुपया कमा सकता है। मैं आज फिर से सभी देश के किसानों को नेशनल फार्मर्स डे के ऊपर बहुत सारी उनको शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद।